कांग्रेस और हाशिए पे जो पार्टी है, मैं समझता हूं कि उनको पॉलिटिकल एड्रेनिल की इंजेक्शन की एक बहुत जबरदस्त जरूरत है। तो ये होती है गुडविल बिल्डिंग। अगर जी पॉलिटिकल गुडविल बिल्डिंग आप नहीं बना पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, अगर आप इतने माहिर नहीं है, और पॉलिटिकल गुडविल बिल्डिंग भी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। एके मिश्रा जी, क्या लगता है कि बीजेपी तो अपने आप को बढ़ा रही है, लेकिन विपक्ष के रूप में कांग्रेस पूरी तरह असफल रही है, और जो प्रयोगवाद के दौर से कांग्रेस गुजर रही है, वो हर एक प्रयोग असफल हो रहा है वर्तमान में? देखिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। भारत जैसे पॉलिटिकल विविधता वाले, भारत में बहुत विविधता है, सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ राजनीतिक विविधता भी है। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पार्टी में, रीजनल या नेशनल लेवल पे। एक होता है लीडर और दूसरी होती है लीडरशिप स्टाइल। ये दोनों चीजें डिसाइड करती है कि पार्टी का भविष्य क्या होगा और पार्टी की परफॉर्मेंस क्या होगी। अगर अपेक्षित परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रही है डिफरेंट डिफरेंट काइंड के इलेक्शंस में, तो या तो लीडर बदलिए या लीडरशिप स्टाइल बदलिए। अब लीडर बदलना पॉसिबल है। बीजेपी ने, आप देखिए, जैसे उन्होंने लीडर बदल दिया 2014 के इलेक्शन में, मोदी जी को वो लेकर के आए। जब लीडर बदलता है तो लीडरशिप स्टाइल भी बदल जाती है, क्योंकि हर लीडर की, हर नेता का अपना एक व्यक्तित्व होता है, एक स्ट्रेटजी होती है, एक सोच होता है, और राजनीतिक परिदृश्य को देखने का एक नजरिया होता है। कांग्रेस के पास बहुत अच्छा पास्ट एक्सपीरियंस है। हर पार्टी के पास एक सेट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज का बखूबी यूज करना चाहिए। तो कांग्रेस के पास दो तीन ऑप्शंस हैं जिनका कि वो यूज नहीं कर रही है, जो मैंने बोला। पहला फैक्टर है लीडर। चलिए, अगर आप लीडर नहीं बदल पा रहे हैं, जैसे कि विगत वर्षों में दिख रहा है कि लीडर तो बदल नहीं रहे हैं, टॉप लेवल पे वही सब रहेंगे, तो आप लीडरशिप स्टाइल बदलिए। लेकिन लीडरशिप स्टाइल भी मोनोटोनस हो जाती है। अगर एक आदमी है तो उसकी सोच वही रहती है, तो चूंकि लीडर नहीं बदल रहे हैं तो लीडरशिप स्टाइल भी नहीं बदल रहे हैं। या तो इनके लीडर इतने फ्लेक्सिबल हो कि समय के हिसाब से सब कुछ देखते हुए अपनी स्टाइल को वो बदल दे। कई तरीके की लीडरशिप को एग्जीक्यूट करने की कई तरीके की लीडरशिप स्टाइल होती है, लीडरशिप स्ट्रेटजी होती है, जो कि सब एक अच्छा लीडर वही है जो समय के हिसाब से अपने लीडरशिप स्टाइल को बदल ले, ढाल ले, या अपनी स्ट्रेटजी को जो है वो बदल ले समय और माहौल के हिसाब से। तो मुद्दा कुल मिला के ये है कि कांग्रेस अगर परफॉर्म करना चाहती है तो या तो लीडर बदले, जो कि लगभग असंभव है टॉप लेवल पे अगर देखा जाए। हाँ, लीडरशिप स्टाइल जरूर बदल सकती है, लेकिन जितने टॉप लीडर हैं वो इतने रिजिड हो गए हैं, उनका एक परसेप्शन बन चुका है कि अपने व्यक्तित्व को बदलना, लीडरशिप स्टाइल बदलने का मतलब अपने व्यक्तित्व को बदलना, वो भी उनके लिए बड़ा असंभव हो रहा है। तो मेन पेच यहाँ पे फंस रहा है। जिस दिन ये दो तीन चीजें हो जाएंगी, उस दिन परफॉर्मेंस जो है प्लेटफॉर्म पे वापस आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल मिश्रा जी, मेरे दो सवाल है आपसे कि एक तो क्या राजनीतिक संगठन को चलाने के लिए किसी सीईओ की नियुक्ति करना, प्रशांत किशोर जिस परिवेश में आ रहे थे वो एक सीईओ के रूप में ही आ रहे थे, भले ही उनको राष्ट्रीय महासचिव या जो भी कुछ बनाया जाता, और दूसरा सवाल ये कि क्या बीजेपी ने अपने आप को बिल्कुल राष्ट्रवाद के झंडे के नीचे इस कदर खड़ा कर लिया है कि अब वहाँ पर किसी के खड़े होने की जगह बची नहीं है, और शायद सामने कोई खड़ा है शत्रु के रूप में या राष्ट्रद्रोही के रूप में, तो उसमें बिल्कुल कांग्रेस को फिक्स कर दिया है, और कांग्रेस ये कह ही नहीं पा रही है कि हमने हमारे अंदर भी राष्ट्रवाद है या हमने भी ये सब किया है, वो बिल्कुल कहने में नाकाम है। देखिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पूरे विश्व के राजनीतिक इतिहास में आप देख लीजिए, जो पार्टियां या जो नेता बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, एक टर्म होता है विजन। सबसे पहला काम एक पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी का होता है कि एक विजन वो पूरे देश को दे। अब विजन देने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा बेटा प्रधानमंत्री बने या मैं प्रधानमंत्री बनूं, ये कोई विजन नहीं होता है। विजन ये होता है कि जो पूरे उस भूभाग के, उस पूरे देश के जनता को ये बताए कि आज आप कहाँ हैं, 5 साल बाद कहाँ होंगे, 10 साल बाद कहाँ होंगे, 20 साल बाद आप देश को कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं। अब इसका जो दूसरा सवाल है, देखिए, बीजेपी ने कैसे इंप्लीमेंट किया। हम स्वर्णिम भारत बनाएंगे, हम अखंड भारत बनाएंगे, ये सब चीजें तो एक साल में होनी नहीं है। उन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म गोल दिया जो है, और उसको कनेक्ट किया अपने गोल्डन पास्ट से। रिवाइव करने के जो तरीके होते हैं वो तीन चार स्ट्रेटजी होती है, उसमें एक स्ट्रेटजी होती है टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद गोल्डन पास्ट।
तो बीजेपी ने एक विजन दिया गोल्डन इंडिया के गोल्डन पास से अपने आप को कनेक्ट करते हुए, हम अखंड भारत बनाएंगे, हम समृद्ध भारत बनाएंगे, हम भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। तो ये एक हो गई स्ट्रेटजिक पोजिशनिंग। बीजेपी ने कभी ये नहीं बोला कि फलाने प्रधानमंत्री बनेंगे, या मोदी जी कभी नहीं बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे या ये करेंगे वो करेंगे। तो सबसे पहला होता है विजन। अब विजन के बाद उस विजन को कैसे ग्राउंड लेवल पे उतारा जाना चाहिए, वहां पे आपको मिशन की जरूरत होती है, मिशन स्टेटमेंट। अब कैसे आप उसको, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपके पास है, हर क्षेत्र में अलग प्रॉब्लम है, आपके पास चुनौतियां हैं, आपकी राइवल पार्टी है, बीजेपी है जिसने एक एक इंच पे कब्जा करके रखा हुआ है, उनसे निपटने के लिए आप क्या क्या काम ग्राउंड लेवल पे करेंगे। जब ये चीज आपकी डिसाइड हो गई तो उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि उस काम को कौन कौन करेगा। तो उसके लिए बनाए जाते हैं कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये यूपी के अध्यक्ष है, या जो आपने प्रशांत किशोर की बात की कि अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो बाहर से लोगों को हायर करिए या उनकी सर्विसेज लीजिए, कोई बुरा नहीं है, ये सारे सब लोग करते हैं जो है। जब आपने ये डिसाइड कर दिया कि किसकी जिम्मेदारी क्या है, यानी डिवीजन ऑफ लेबर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कर दिया, फिर आपकी जिम्मेदारी होती है रिसोर्सेस को अवेलेबल कराना। मतलब कि उनको जो भी चीजें चाहिए, अब एक रैली कहीं करनी है, रैली करने में मैन पावर चाहिए, पैसा चाहिए, लाउड स्पीकर चाहिए, प्लानिंग चाहिए, वो सारी चीजें अपनी अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप दोनों लोगों को ये निभाना है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, एक साधारण कार्यकर्ता से लेके टॉप लेवल को। तो जब ये सारी चीजें जो कि ये बैकबोन होती है किसी भी पार्टी के सक्सेस का, जैसे हमारी बैकबोन होती है उसमें कई हड्डियां होती है, L1, L2, L3, L4, L5, सब जुड़ करके एक दूसरे के साथ काम करती हैं और सबका इंडिविजुअल काम भी है, तब जाकर के आपको सक्सेस मिलता है। इस चीज की नितांत कमी है कांग्रेस में, इन सारी चीजों की, विजन, मिशन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना, ये करना वो करना, ये सारी चीजें हो ही नहीं रही है, एडहॉक बेसिस पे हो रही है। अब यूपी का चुनाव आ गया जी तो फलाने नेता आ गए, अब वहां का चुनाव आ रहा है तो फलाने नेता आ गए। देखिए नेहरू जी इसलिए बहुत सक्सेसफुल थे, उनको विजनरी प्राइम मिनिस्टर क्यों बोला जाता, उन्होंने एक विजन दिया औद्योगिक इंडिया बनाने का, नया भारत बनाने का। इसके बाद जितने भी नेता सक्सेसफुल हुए हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, उनका भी एक बहुत ब्रॉडर जो है विजन था। इंदिरा गांधी का देखिए, उनका भी उन्होंने सबसे पहले विजन दिया और उसको मिशन मोड पे लेकर के गए और एकदम गांव के लेवल तक उन्होंने जो है अपने पार्टी को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो गांव के छोटे छोटे नेता हैं वहां तक उनके दायित्व को निर्धारित किया कि आपका काम ये है। तो जब ये चीजें नहीं हो पा रही है तो आप कुछ भी करिए आपको सफलता मिलेगा नहीं, आप हॉच-पॉच बेसिस पे काम करते रहेंगे, एडहॉक बेसिस पे, अब ये हो गया तो ये कर लो जी, ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे करते रहेंगे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, बहुत स्ट्रेटजी के साथ इसको गवर्न करना पड़ता है, तब जाके पॉलिटिक्स। लेकिन लेकिन एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, कांग्रेस सारी बातों को समझ रही है लेकिन समझ के भी वो कर नहीं पा रही है जो करना चाहिए, और तमाम लोग समझा रहे हैं, आप जैसे ईमानदार लोग ईमानदार राय रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को पता है, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन एके मिश्रा जी जो ईमानदार राय आपने रखी है, जयेश गुरनानी सुन रहे हैं और ऐसी तमाम लाखों करोड़ों ईमानदार राय कांग्रेस को मिल रही है कि निश्चित रूप से जो आपने किया है, जो करने वाले हैं उसको बताइए लोगों को, लेकिन ये बताने में नाकामयाबी है। और अब जो चिंतन शिविर होने जा रहा है उससे भी शायद जो खांटी कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसकी बड़ी उम्मीदें हैं कि शायद इस नव संकल्प, जो एक नाम जोड़ा गया है नव संकल्प चिंतन शिविर, अब नव संकल्प चिंतन शिविर में भी अगर नव संकल्प नहीं हो पाए तो फिर क्या लगता है आपको, फिर वही निराशा नहीं छा जाएगी जो खांटी कार्यकर्ता है उसमें? देखिए मैंने एक शब्द यूज किया कि पर्सनली मैं पॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा रिस्की, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव और सबसे ज्यादा अनस्टेबल प्रोफेशन मानता हूँ। इस प्रोफेशन में अगर आपको सक्सेस होना है तो टॉप लेवल के टैलेंट और समझदारी की यहाँ पे जरूरत होती है। कंपनी वंपनी चलाना तो फिर भी एक आसान काम होता है, दूसरी चीजें करना एक और आसान काम होता है, यहाँ अनसर्टेनिटी बहुत होती है। अनसर्टेनिटी को रीड करना, पॉपुलेशन को, मास को, वोट बैंक की मेंटेलिटी को रीड करना
और अकॉर्डिंगली प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। रही बात कांग्रेस में क्या है, अब इसका एक एग्जांपल देखिए, मैंने टॉप अप एंड बॉटम अप ये दोनों चीजों एक शब्द मैंने यूज किए हैं। टॉप लेवल पे जो है उनके जो काम है वो सही से नहीं हो पा रहे हैं और बॉटम लेवल के नेताओं के जो काम है, जो है अधिकारी या कार्यकर्ता, उनके भी काम सही नहीं है। उसके पीछे कारण है, आपके पैर में कांटा चुभता है वो आपका बॉटम लेवल हो गया, दिमाग आपका टॉप लेवल काम करने वाला हो गया, तो पैर जो है वो तुरंत इंफॉर्मेशन देता है दिमाग को कि भाई कांटा चुभ गया है, कोई हानिकारक चीज है। आपका दिमाग ऑर्डर देता है कि उस कांटे को निकालिए, वहां पे कपड़ा बांधिए और ब्लीडिंग को रोकिए। ये दोनों में समन्वय होता है और तुरंत क्रिया और प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ये बीच में कहीं ना कहीं गैप है, टॉप और बॉटम एक दूसरे को एक दूसरे से सिंक नहीं कर पा रहे हैं और बीच में जितनी कड़ियां हैं वो एक दूसरे को सिंक नहीं कर पा रही हैं। जब तक एक दूसरे से सिंक हो करके एक परफेक्ट स्ट्रेटेजिक चैन नहीं बनेगी, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, एक आदमी कैरिज्मेटिक तो हो सकता है, वो करिश्मा ला सकता है, विजन दे के बहुत अच्छे भाषण दे करके वो चेंज की बयार यानी बदलाव की हवा तो वो क्रिएट तो कर सकता है, लेकिन जब तक उसके नीचे जितने लोग हैं उसी लेवल पे परफॉर्म नहीं करेंगे, उसी सिंक के साथ काम नहीं करेंगे, वो अपेक्षित रिजल्ट नहीं आएगा। तो कांग्रेस या दूसरी जो भी असफल पार्टियां हैं उनको केवल टॉप लेवल पे ही चेंज करने की जरूरत नहीं है, पूरे प्रोसेस को डाउन द लाइन जितनी चीजें हैं सबको री इवेल्युएट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी कमी ये है कि जो कांग्रेस में सक्सेस गुरु थे वो पीढ़ी लगभग खत्म हो गई है। आप ये देखिए, इंदिरा के टाइम के जो मार्गदर्शक जिनको आप बोल सकते हैं वो अब कोई है नहीं, जिनको कि गांव गांव की राजनीति का पता था। तो यहाँ पे एक प्रॉपर गाइडलाइन देने वाला भी कोई नहीं है। और जो नई पीढ़ी कांग्रेस में आई है, मैं क्लियरली बोलता हूँ, उसको भारत के बारे में समझ नहीं है, क्योंकि वो एसी कमरे से बाहर कभी नहीं निकले हैं, केवल पॉलिटिकल रैली करने के लिए निकले हैं। तो उनको अभी जब तक भारत देश की समझ आपको नहीं होगी, आप यहाँ के राजनीति को नहीं समझ सकते हैं। ये किसी भी देश के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ का आदमी जाके इंग्लैंड की राजनीति नहीं कर सकता है जब तक कि वहां के कल्चर, वहां के देश, बोली, भाषा, पचासों चीजों की समझ नहीं होगी। तो अब काम कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे खत्म करें, ये चीज हो ही नहीं पा रहा है। या तो टॉप लेवल केवल अपने लेवल पे काम कर रहा है, या बॉटम लेवल अपने मन से काम कर रहा है, बीच के लोग अपने मन से काम कर रहे हैं, तो सिंक तो बन नहीं पा रहा है टॉप, मिडिल और बॉटम पे। तो रिजल्ट इसलिए अपेक्षित नहीं आ रहा है। मेहनत वो भी कर रहे हैं, नो डाउट मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। कॉर्पोरेशन एके मिश्रा जी, देखिए बीजेपी ने ये किया कि चप्पल बांटो, जूता बांटो, कंबल बांटो, केला बांटो, अनार बांटो, कार्यकर्ता को पूरा काम में ले रखा है, उसको मिलता कुछ नहीं है। आप बीजेपी के किसी कार्यकर्ता से बात करो, ऐसा लगता है कि 135 करोड़ का भार इसी पे है, देश यही चला रहा है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां भी पूरा जोश से भरा हुआ है, और तमाम ऐसा उसको लगता है कि भारत माता का सच्चा बेटा कोई है तो यही है। ये जोश जो भरने का काम किया बीजेपी ने, वो कांग्रेस नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता से बात करो तो बहुत ज़्यादा एक वो आपको पता है, आप ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं इस पर। देखिए, इसका जवाब मैंने अपने पहले सेक्शन में ही दिया था, विजन। अगर आपका विजन बहुत अच्छा है, कोई भी पार्टी अगर विजन अपना प्रेजेंट कर रही है तो उस विजन का, विजन और मिशन स्टेटमेंट, ये दो चीजों का रोल ये होता है कि पब्लिक के अंदर इमोशनल बॉन्डिंग और आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग को डेवलप करना, जिसके थ्रू पार्टी और वोटर कनेक्ट रहते हैं। बिल्कुल सही। भारत का ऐसा कौन सा आदमी होगा जो अखंड भारत या ग्रेटर इंडिया के निर्माण के लिए सपने न देखता हो, जो भारत को सोने की चिड़िया न बनाना चाहता हो। ये सारी चीजें पहले भी थी, कांग्रेस भी इन सब चीजों की बात करती थी कि भाई भारत को हम बहुत रिच बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे, लगभग सारी पार्टियां करती हैं। बेहतरीन प्रेजेंटेशन और कनेक्टिविटी, जो आपने वो तक बोला कि जूते बांटो, चप्पल बांटो, ये छोटी छोटी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कनेक्टिविटी डेवलपमेंट में, इमोशनल बॉन्डिंग डेवलपमेंट में। आपका एक बच्चा है छोटा सा, आप उसको 25 पैसे की एक टॉफी ही तो देते हैं, और उसके साथ, उसके एवज में आपके साथ जो है कितनी बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। सवाल देने और लेने से जो है, संगोष्ठी करने से, मिलने से, चाहे केवल आप एक गिलास पानी ही क्यों ना पिला दें और विचारों का आदान प्रदान वहां पे करें, तो कनेक्टिविटी तो इसी से डेवलप होती है।
जो पार्टियां हाशिए पे हैं उनके बीच फर्क यही है कि चुनाव के 6 महीने पहले निकलती हैं, उसके पहले ना उनका कार्यकर्ता दिखता है, ना नेता दिखते हैं, ना समाज में कोई एक्टिविटी दिखती है। पॉलिटिक्स या राजनीति एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, आप हारिए या जीतिए वो दूसरी चीज है। आपको समाज से, समाज के हर पहलू से, हर वर्ग से, हर समस्या से हमेशा इंटैक्ट रखना पड़ेगा अपने आप को, और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो 2 महीने पहले, चुनाव के पहले बरसाती मेंढक की तरह आ करके मीडिया पे पैसा खर्च करके चिल्लपो करके आप कनेक्टिविटी डेवलप नहीं कर पाएंगे। रिलेटिवली स्ट्रांग कांग्रेस और हाशिए पे जो पार्टी है, मैं समझता हूँ कि उनको पॉलिटिकल एड्रेनिल की इंजेक्शन की एक बहुत जबरदस्त जरूरत है। कांग्रेस और हाशिए पे जो पार्टी है, मैं समझता हूँ कि उनको पॉलिटिकल एड्रेनिल की इंजेक्शन की एक बहुत जबरदस्त जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि उनको लग रहा है, वो पहचान ही नहीं पा रहे खतरा है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो अलर्ट इस चीज का होना चाहिए कि भाई खतरा आ गया है, और फिर एक्टिव हो उस खतरे का जो है क्या काट हो सकती है, हम उसको कैसे कॉम्पिटिटिव वे में मैनेज करें। ये सब पॉलिटिकल एड्रिनल का जब तक इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगेगा बिल्कुल, कोई मैं आगे नहीं। एके मिश्रा जी, कांग्रेस को बहुत गहरे से विचार करना पड़ेगा। मैं आप एके मिश्रा जी देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता से आप पूछो या कोई बात होगी तो वो इतने बड़े दावे कर देगा जो उसके बस की बात भी नहीं है, लेकिन दावा वो पूरे इस तरह से करता है कि जैसे मान लीजिए कि उसके कहने से ही और उसकी सूचना पूरा ऊपर तक पहुंच जाएगी। ये भरोसा कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता को नहीं है, उसको लगता है कि चाहे कितनी बड़ी सूचना हो ऊपर जाके कुछ नहीं होना है। हाँ, यही देखिए होता है इमेज बिल्डिंग। एक आदमी होता है वो कितना भी बड़ा सच बोले लेकिन लोग उसके ऊपर जो है विश्वास नहीं करते हैं। और दूसरी चीज, दूसरा आदमी होता है कि वो कम महत्व की चीज भी बोलेगा लेकिन लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। इसको बोलते हैं कि पॉलिटिकल गुडविल, गुडविल बिल्डिंग, पॉलिटिकल रेपो बिल्डिंग। ठीक है, दावे तो सारी पार्टियां करती हैं और मैं ये भी मानता हूँ सारे दावे पे कोई खरा नहीं उतरता है। किसी भी गवर्नमेंट को ले लीजिए, अपने 5 साल के कार्यकाल में पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि उसने अपने 100% कमिटमेंट को पूरा कर दिया हो। वो अंडर परफॉर्मर ही रहते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बाहर कहीं पे भी हो। लेकिन सवाल ये है जो मैंने आपने बोला ना कि लोग बिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल रेपो और पॉलिटिकल गुडविल बिल्डिंग, और फिर बात वही घूम के आ जाती है जो मैंने पहले बोला है। पॉलिटिकल रेपो और पॉलिटिकल गुडविल बिल्डिंग केवल चुनाव के 2 महीने पहले आके आप नहीं कर सकते हैं। जब आप रेगुलर समाज के बीच में, जनता के बीच में, वोटर के बीच में रहेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ भाई ये आदमी लगातार हमसे कांटेक्ट में है, तो उसकी गुडविल भी डेवलप होती है, रेपो भी डेवलप होती है। 100% आप परफॉर्म करिए या ना करिए वो दूसरी चीज है, लेकिन ये बॉन्डिंग डेवलप करना, जो बार बार मैं टेक्निकल टर्म्स का यूज कर रहा हूँ, पॉलिटिकल बॉन्डिंग, आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग, पॉलिटिकल रेपो, पॉलिटिकल गुडविल, आप मार्केट में देखिए बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, लेकिन जो बिकने की बात आती है या मार्केट लीडर की बात आती है, वो कुछ ही प्रोडक्ट बिकते हैं, धड़क में से बाकी नहीं बिकते हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे हों उनसे। तो ये होती है गुडविल बिल्डिंग। अगर जी पॉलिटिकल गुडविल बिल्डिंग आप नहीं बना पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, अगर आप इतने माहिर नहीं है, और पॉलिटिकल गुडविल बिल्डिंग भी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक बार आपको बना लिया तो फिर चलने लगता है उसको मेंटेन करके रखना, उस पर डेट लगे, क्योंकि आपके जो विरोधी है वो उस पर प्रहार करते रहते हैं, आपकी परफॉर्मेंस भी उस लेवल पे होनी चाहिए। ये सब चीजें अगर नहीं हो रही है तो जो चीज, जो सवाल आपने उठाया उसका समाधान नहीं है। आप पॉलिटिकल रेपो, पॉलिटिकल गुडविल, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग वगैरह इन सब, आप ये देखिए बीजेपी इतनी हाइपर एक्टिव क्यों रहती है, चुनाव है या ना रहे, फिर उनके कार्य चलते रहते हैं। इस चीज को शायद वो समझ गए हैं कि 2400 घंटे आपको टच में रहना पड़ेगा, चाहे मीडिया के ये, चाहे जो ग्राउंड पे है वो ग्राउंड के थ्रू टच में है, जो मीडिया के थ्रू है वो मीडिया के थ्रू, कहीं ना कहीं कनेक्शंस डेवलप करने के, टच में रहने के जितने भी साधन होते हैं, आर्टिफिशियल या नेचुरल, वो सारी चीजों का बखूबी यूज करते हैं। और ये चीज जो पार्टी हंसते हैं वो ये नहीं कर रहे, वो आराम करते हैं, 2 महीने के लिए काम करते हैं, तो 2 महीने में गुडविल वगैरह से डेवलप नहीं होती है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बिल्कुल बोलिए एके बोलिए। मिश्रा जी, वो तेवर कैसे आएगा जो खो गया है? समय समाप्त हो रहा है, संक्षिप्त जवाब चाहूंगा आपसे।
देखिए तेवर केवल एक सिंपल स्टेटमेंट से भी आ सकता है। मैंने आपको बोला पॉलिटिकल एड्रेनिल का इंजेक्शन लगाना बड़ा जरूरी है। जो लोग इस टर्मिनोलॉजी को समझते होंगे वो सारी चीजें समझ जाएंगे। सारी चीजें यहाँ पे होती है टॉप लेवल पे। अगर लीडरशिप की जो मैंने बोली लीडरशिप स्टाइल, अगर वो देश और मुद्दों के हिसाब से समन्वित हो जाए, सिंक हो जाए, तो केवल एक स्टेटमेंट से तेवर आ जाते हैं, पूरी जनता के तेवर बदल जाते हैं, पूरे कार्यकर्ताओं के तेवर बदल जाते हैं। बिल्कुल समझ